चलो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। एसपीबी आपका सेकंड यूनिट भी अवर हो जाएगा। यूनिट टू में मैंने ऑलरेडी पहले ही बोला आपको 3 ही प्रश्न है। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है, उसके कारण क्या है, पहला प्रश्न। उसके बाद देखा टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं। उसके बाद देखा जो कंटिन्यू सवाल है, फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन। तो फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा आंसर है। मैंने बोला था जब क्लास चालू होगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, मगर मैंने बताया था धीरे धीरे। तो पहला आपने देखा एसोसिएशन, उसमें 4 पॉइंट पड़े। उसके बाद देखा फेडरेशन, उसमें भी 3 चीज आती है। तो पूल हम ओवर कर चुके हैं, अब जाते हैं हम कार्टेल की ओर। दोनों स्पेलिंग बराबर है कार्टेल्स के, बिकॉज कार्टेल और पूल में कोई फर्क नहीं है। जो चीज आपने पूल में पढ़ी वही एक्सप्लेनेशन आप कार्टेल में लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, पहली लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन है। कार्टेल इज द यूरोपियन नेम फॉर अमेरिकन पूल। अमेरिका में पूल बोला जाता है, कार्टेल में यूरोप कंट्री में कार्टेल बोला जाता है। इट वॉज ओरिजिनेटेड इन जर्मनी। ये कहाँ पे शुरू हुए थे, जर्मनी कंट्री में। क्लियर, कुछ नवा नहीं है। मकसद वही, देखो डेफिनेशन पढ़ूंगा आपको समझ में आ जाएगा। कार्टेल इज फॉर्म थ्रू वॉलेंटरी एग्रीमेंट। वॉलेंटरी एग्रीमेंट का मतलब पहले बताया है, कंपलसरी नहीं है, जो चाहे वो ज्वाइंट हो सकता है। इट मेन प्रपोज इज टू रेगुलेट द मार्केट। कौन से मकसद के लिए, कि मार्केट पे हम कंट्रोल कर सके, एंड टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, और जो जो हमारे मेंबर्स हैं उनको ज्यादा मुनाफा हो। सेम चीज ही है, न के कॉम्बिनेशन करने के पीछे मकसद है जी है प्रॉफिट करना, मेंबरों को फायदा करना, मार्केट में नाम कमाना, मार्केट में तुम्हारा सेल्स बढ़ना। क्लियर, द मेन पर्पज ऑफ कार्टेल इज टू कंट्रोल द प्राइस थ्रू रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन। मकसद क्या है, सब में एक चीज है, कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के पीछे मकसद क्या, कि तुम्हारा जो कॉम्पिटिशन अंदर अंदर का वो दूर हो जाए, जिससे क्या होगा, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, आपका नफा बढ़ जाएगा। कार्टेल इज अ पुल विथ विच कॉमन सेल्स एजेंसी इज अटैच। देखो आया ना, कार्टेल इज अ पुल। अगर पुल याद है तो कार्टेल वही है, खाली फर्क ये है कि अमेरिका में पुल बोला जाता है, यूरोपियन कंट्री में कार्टेल बोला जाता है। व्हेन सच एजेंसीज एडेड द कार्टेल बिकम क्लोज टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन एंड इफेक्टिव एंड परमानेंट टू पुल। ये पुल से अच्छे ही क्यों है, क्योंकि हमने सीखा है कि कार्टेल की पुल की कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी, मर्यादा थी पुल की। तो लिमिटेशन क्या थी, कि वहां पे तुम कंपटीशन तो कम कर सकते थे, प्रॉफिट तो बढ़ा सकते थे, मगर एक कॉमन नाम नहीं बनता था, कॉमन एजेंसी नहीं बनती। तो उन्होंने उसके अंदर एक और कर दिया, लिखा है ना, इट एडेड सेल्स एजेंसी, सबको मिला दिया, उत्पादक करने वालों से लेके वेचाण करने वालों तक और माल बनाने वालों तक। इसके लिए इफेक्टिव है, जैसे टाइप्स ऑफ पुल थे ऐसे टाइप्स ऑफ कार्टेल है। नाम सब कुछ एक्सप्लेन करता है। टर्म फिक्सिंग कार्टेल, इसके अंदर क्या होता था, अगर ये मकसद से बना है टर्म फिक्सिंग से, तो तुम लोगों ने कितना वेचाण करना है और कौन सी शर्तों पे विचार करना है वो नक्की कर लो। तो जितने भी कार्टेल्स के मेंबर हो गए वो इसी प्रकार विचार करें। प्राइस फिक्सिंग कार्टेल, सब लोगों ने मिलके कीमत नक्की कर ली कि हम 200 के भाव में बेचेंगे। अब 200 से ज्यादा में ताकत हो तो बेचो, मगर 200 से कम में कोई नहीं बेचेगा। प्राइस नक्की कर ली, कीमत नक्की कर ली। देखो लिखा हुआ है, दे रेगुलेट आउटपुट एंड प्राइस ऑफ द मेंबर, सो प्रोड्यूसर आर नॉट अलाउड टू सेल देयर प्रोडक्ट बिलो मिनिमम
यानी इससे कम कीमत में वो लोग नहीं बेच सकते। तीसरा आता है कस्टमर असाइनिंग कार्टेल, पूल में पड़ा था कस्टमर बांट लेना एरिया के मुताबिक, है ना, टेरिटरी पूल। चौथा आता है जोनल, कस्टमर के साथ साथ जगह भी बांट लेना कि आजवा रोड, वागोड़िया रोड, कारेली बाग, सुसेन चार रास्ता डिजाइन कर लो जोनल कार्टेल। कोटा फिक्सिंग आउटपुट पूल, देखो बाजू में नाम लिख के दिया है, इसके लिए बोला याद करना अगड़ा नहीं पड़ेगा। कोटा फिक्सिंग का मतलब ये भी नक्की कर लिया कौन सा प्रोड्यूसर कितना माल ज्यादा में ज्यादा बेचेगा। सुपर कार्टेल, ये बहुत खतरनाक चीज है, दो अलग अलग देश के व्यापारी ने एग्रीमेंट कर लिया, लिखा हुआ ना, दे आर नोन एज जनरल कार्टेल। जनरल इट इज द एग्रीमेंट बिटवीन कार्टेल ऑफ वन कंट्री एंड कार्टेल ऑफ अनदर कंट्री, दो देश के लोगों ने अपने अपने कार्टेल को कंबाइन कर लिया। इससे क्या हो जाएगा कि अगर हमने इंडिया में कार्टेल बनाया तो बाहर वालों से कंपटीशन, मगर हमारा बाहर कॉम्पिटिटर उससे भी हमने कार्टेल कर लिया, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं रहा, जो प्राइस चाहो प्राइस चार्ज कर सकोगे ने। कार्टेल प्रॉपर और सिंडिकेट कार्टेल, ये किसके लिए होती है, सेलिंग वालों के, जो लोग वेचान करते हैं, सेल्स एजेंसी बोलते हैं ना। देखो लिखा हुआ है, दिस इज मोर इफेक्टिव व्हेन प्रोविजन इज मेड फॉर कॉमन सेंट्रल सेलिंग एजेंसी, क्लियर। ये तुम्हारे द टाइप्स ऑफ कार्टेल। अब आता है कार्टेल बनाने के पीछे मकसद क्या है, जिसको पूल याद है वो ऑटोमेटिकली लिख सकता है। देखो, इट प्रोवाइड मोनोपोली एंड प्रॉफिट टू इट्स मेंबर, मेंबरों का नफा बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। नंबर टू, इट प्रोटेक्ट द मेंबर इन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, आप लोगों को मालूम है हमने कॉमन ग्रुप नहीं बनाया तो अंदर अंदर लड़ के तुम कॉम्पिटिशन में खल्लास हो जाओगे, न जो नए नए हैं उनको तकलीफ ज्यादा होगी। तो तुमने कार्टेल बना लिया तो मंदी जैसे बंदी के समय में भी आपका धंधा चलेगा, समझ में आया, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा। नंबर थ्री, बार्गेनिंग पावर इज बेटर, अकेले तुम क्या भाव तोल करोगे, अकेले क्या तुम लड़ सकोगे, कॉमन हो गए मिक्स हो गए साथ में मिलके करोगे, तुम्हारा पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेलिंग कॉस्ट इकोनॉमिकल, वेचाण खर्चा कम हो जाएगा, कैसे, मैंने बोला एरिया बांट लो, प्रोडक्शन बांट लो, कीमत बांट लो, कोई लॉस नहीं होगा, खर्चा कम हो जाएगा। इट डज नॉट इंटरफियर इन इंटरनल में, है ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो ना एसोसिएशन में था ना पूल में था, कि अब तुमने फेडरेशन में पढ़ा कि मेंबरशिप वॉलेंटरी होती है, कंपल्सरी नहीं होती है। यानी तुम टर्म में तो काम करोगे मगर तुमको तुम्हारे पर्सनल बिजनेस मैटर में कोई इन्वॉल्व नहीं करेगा, यानी तुम जो धंधा करोगे ना कार्टेल बना के, तो तुम तुम्हारे नाम से ही करोगे, सिफा प्रोविजन स्टोर, अज्जू मेडिकल स्टोर, सीआर मेडिकल स्टोर, समीर मेडिकल स्टोर, नाम तो खुद का ही होगा, काम भी खुद का ही होगा, मगर कॉम्पिटिशन दूर हो जाएगा। एंड इट इज मोर स्टेबल देन पूल, क्यों, पूल से ज्यादा स्टेबल है। ये पॉइंट काम का है कि पूल के अंदर कोई सेल्स एजेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, ये लोग ने क्या करा, कॉम्पिटिशन भी दूर करा, प्रॉफिट भी बढ़ाया और एक सेल्स एजेंसी भी बना ली कि तो सबके भी यहाँ पे सेल्स करेगी, इसके लिए स्टेबल है, स्थिर है, स्टेबल मीन्स स्थिर। डिसएडवांटेज क्या है, मेंबर ऑफ फर्म कैन नॉट मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि सबके उत्पादक करने के तरीके अलग होते हैं। कस्टमर को तो प्रॉब्लम है, कस्टमर हैव टू पे हायर प्राइसेस, वेल्थ इन गो इन फ्यू हैंड, जो लोग ने कार्टल बनाया है उनको इसका फायदा होगा, पॉइंट नंबर फोर बोलता है। नॉन मेंबर कैन मेक द कॉम्पिटिशन, जो मेंबर नहीं बने उनको हम जूत के साथ कॉम्पिटिट करना पड़ेगा और हम लोग इतना खराब मार्केट कर देंगे कि जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो हमारे सामने ठीक नहीं पाएंगे, यानी जो मेंबर्स नहीं बने। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज,
हमने 20 जन ने ग्रुप बनाया है, तो कोई नवा 21 में आईकेट मार्केट में एंटर होगा, उसको हम एंटर होने हैं। लिमिटेशन ये हुआ तुम्हारा कार्ड है। फेडरेशन में तीन चीजें, पहला पड़ा पुल, कार्टेल, अब देखते तीसरा कॉर्नर एंड रिंग्स। बहुत मजा आएगी इसमें। कॉर्नर एंड रिंग आर द डिवाइस फॉर आर्टिफिशियल शूटिंग, स्पेलिंग सुधार ले अप अप प्राइसेस। एक मकसद मार्केट में कीमत बढ़ाना, टू टेक द एडवांटेज ऑफ मैनिपुलेट प्रॉफिट। दे डू नॉट हैव हेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस, हेल्थी बिजनेस प्रैक्टिस। कॉर्नर रिंग दोनों तो एक आज है, अलग अलग नहीं है। फर्क क्या है मैं नीचे बाद में बताता हूँ। यानी तुम मार्केट में कोई ऐसी चीज लेके आए जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, यानी मार्केट में तुम्हारी स्पेक्यूलेटिव चलता है, मोनोपोली चलती है, तो तुम कीमत ज्यादा ही रखोगे। बेस्ट एग्जांपल, आज से 8-10 साल पहले इंडिया में नोकिया चलता था, मगर जैसे ही एंड्रॉइड फोन आए तो शुरुआत में एंड्रॉइड फोन 20-20 हजार के थे, छोटे छोटे। क्यों? ये कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, मोनोपोली थी। रखो जो रखना है वो, समझ में आया? अब कॉर्नर और रिंग में फर्क क्या है? तो कॉर्नर का मतलब क्या होता है, जब एक सिंगल फॉर्म या सिंगल बिजनेस वाला पूरे मार्केट पे कब्जा करके बैठा है इंडिया के अंदर, कौन है? रिलायंस। हर चीज में कॉर्नर, इन अ कॉर्नर अ सिंगल मार्केट मर्चेंट ट्राई टू गेट मोनोपोली प्रॉफिट, ही परचेज एंड होल्ड ऑल द गुड इन द मार्केट, देन ही सेल देम एट वेरी हाई प्राइस। एक के पास अजय, कोई दूसरे के पास वो माल नहीं है, तो वो जो चाहेगा वो कीमत में बेच सकेगा। ही कंट्रोल एंटायर मार्केट, पूरे मार्केट पे उसका कंट्रोल होगा। क्लियर? और रिंग में क्या होगा, कुछ लोगों ने एसोसिएशन बना लिया, जैसे थोड़ा माल मेरे पास पड़ा है, थोड़ा माल बी के पास पड़ा है, थोड़ा माल सी के पास पड़ा है, थोड़ा माल डी के पास। यानी पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट अखे इंडिया में 4 लोगों पास है, तो हम चारों चार ने एसोसिएशन बना लिया, ना हम जो चाहेंगे वो कीमत में बेचेंगे। रिंग्स कॉर्नर में एक कंसर्न, एक व्यक्ति, एक बिजनेस, एक फर्म। रिंग में कुछ लोग। देखो, इन अ रिंग विच इज एन एसोसिएशन वेर मेनी पर्सन आर कंट्रोलिंग द सप्लाई इन द मार्केट, दे बाय द गुड फ्रॉम मार्केट एंड सेल देम एट हायर प्राइस। क्लियर? ये तुम्हारा फेडरेशन अवर हुआ। अब लास्ट टॉपिक यूनिट 2 आपका अवर हो जाएगा, कंसोलिडेशन। फॉर्म्स में कितने थे? 3, एसोसिएशन, फेडरेशन, कंसोलिडेशन। ये अवर करके मैं लेक्चर अवर कर दूंगा। कंसोलिडेशन इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच बिजनेस इज फ्यूज्ड, फ्यूज का मतलब मिल जाना, मिक्स हो जाना। इन कंसोलिडेशन द मेंबर मे और मे नॉट रिमेन सेपरेट। अमुक कंसोलिडेशन में अपनी आइडेंटिटी भी खो देते हैं, जो तुम पढ़ोगे कंप्लीट कंसोलिडेशन में। अमुक कंसोलिडेशन में अमुक हिस्सा तुम भूल जाते हो, तो अपने दोनों देखेंगे, पार्शियल कंसोलिडेशन एंड कंप्लीट कंसोलिडेशन। तो पार्शियल के अंदर 3 चीज आती है। देखो, अंडर पार्शियल कंसोलिडेशन
कंबाइनिंग यूनिट, दो यूनिट सरेंडर देयर फ्रीडम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, सरेंडर देयर फ्रीडम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, यानी अपनी जो आजादी है धंधा करने की वो पूरी सरेंडर कर देते टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मगर खुद के नाम से धंधा करेंगे, समझना। तौसीफ सैयद खुद के नाम से सीआर क्लासेस चला रहे, मगर मिस्टर समीर के कहने पर, मिस्टर अमीर के कहने पर, ये कौन है, एसोसिएशन के हेड है। देर आर थ्री टाइप ऑफ पार्शियल कॉम्बिनेशन ट्रस्ट, ये वाला पॉइंट मैं आपको रेगुलर लेक्चर में पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा आता है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, ये पॉइंट भी मैं आपको पूरा उसमें ही पढ़ाऊंगा। तीसरा आता होल्डिंग कंपनी, यहाँ से मैं आपको पूरा कर देता हूँ, क्योंकि दोनों दो चीज समय लेगी, दो घंटे लेगी, घंटा लेगी, रेगुलर क्लास चालू होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या, अ होल्डिंग कंपनी इज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ कंबाइनिंग अदर कॉरपोरेशन बाय ओइंग कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ देयर स्टॉक। एग्जाम्पल पे समझना, मैंने 60% बिजनेस बाजू वाले का खरीद लिया, कितना 60%, इसका मतलब जो भी मुनाफा होगा 60% मेरा होगा, अब 40% उसको मिलेगा, क्यों, मैंने खरीद लिया, तो मैं कौन हो गया वो दुकान के लिए, होल्डिंग कंपनी, कि मैंने वो बिजनेस को होल्ड कर रहा हूं। ना जो कंट्रोलिंग कंपनी है यानी उसको बोलेंगे सब्सिडरी, जिसका मैंने धंधा खरीदा है, और मेरे खुद का तो चल ही रहा है तो मैं अपने आप को बोलूंगा होल्डिंग कंपनी। अंडर कंपनी में ये सुधार लेना, अब 2013 हो गया, 1956 नहीं रहा। अ होल्डिंग कंपनी इज एनी कंपनी विच होल्ड मोर देन हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर, मोर देन हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर, मैंने बोला ना 51% से ज्यादा, नॉट 51, 50% से ज्यादा, 51 हो गया। अगर मैंने कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो मैं वो कंपनी को होल्ड करता हूँ, देखो लिखा हुआ विच कंट्रोल द पोजिशन ऑफ बोर्ड, मेरी पावर में आ गया ना, 51% मेरे पास है, मैं ही नक्की करूंगा। एंड सब्सिडरी कंपनी, जो दुकान की बात करी, बिकम होल्डिंग कंपनी फॉर अनदर ग्रुप ऑफ कंपनी, क्लियर, वहां पे उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, 60% हिस्सा तो मैंने ले लिया है, कॉमन है, जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर है वो कंपनी में डिसीजन लेता है, उनका निर्णय लिया जाएगा, मगर वोटिंग पावर के हिसाब से चले मेरा ही निर्णय फाइनल, इसको बोलते हैं होल्डिंग। छिल्ला आता है कंप्लीट कंसोलिडेशन, पूरी एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, इसमें दो चीज आती है, मर्जर और एमालगमेशन, मर्जर और एमालगमेशन, नाम से पता चला मर्जर, मिल जाना, मर्ज हो जाना। मर्जर टेक प्लेस व्हेन स्ट्रॉन्गर यूनिट एब्जॉर्ब, खरीद लेना, वन और मोर वीकर यूनिट, बड़ा बिजनेस कोई छोटे थोड़े दो या एक से ज्यादा छोटे बिजनेस को खींच लेता, मर्ज कर लेता है अपने अंदर, जिसको बोलते हैं एक्वायर करना। एन एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्गर कंपनी में टेक ओवर द बिजनेस ऑफ वन और मोर वीकर कंपनी इफ पावर आर प्रोवाइडेड इन MOA, MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन,
बेसिकली अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, मगर कोई भी कंपनी होती है तो उसका मेमोरेंडम होता है। समझ में आया? उसके बाद आता है एमालगमेशन। एमालगमेशन का मतलब जूनी कंपनियां बंद होगी, नवी कंपनी बनेगी। लिखा हुआ है, अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ ऑल एमालगमेटिंग कंपनी। आफ्टर एमालगमेशन ऑल यूनिट आर ऑटोमेटिकली लिक्विडेटेड। यानी पहले सीआर लिमिटेड था, वर्सटाइल था, एएम था, तीन क्लास बंद हो गए। नवा नाम आ गया टी ए बी लिमिटेड, टी ए बी क्लासेस। यानी तौसिफ भाई का सीआर भी बंद, अयुब भाई का एएम भी बंद, चाई वाला सबका वर्सेटाइल भी बन, अब नवे नाम से चलेगा टी ए सी, तौसीफ अयुब चाई वाला क्लासेस। यानी जूनी कंपनियां बंद हो जाएगी और नवी कंपनी से धंधा चलेगा। इसको बोलते हैं एमालगमेशन। या तुम्हारा यूनिट टू आवर होता है। डिफरेंस बिटवीन कार्टेल और ट्रस्ट तुम्हारी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। लर्न नहीं करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज इसमें वही सब चीज है जो हमने ऊपर पढ़ी हुई है, कार्टेल और ट्रस्ट। क्लियर? देख लो यूनिट टू अवर हो गया। और एक पॉइंट रह गया, कॉम्बिनेशन करने के फायदे क्या है। सीधा है, कंपटीशन दूर होगा, लार्ज साइज का फायदा होगा, हम लोग मिल जाएंगे तो मोनोपोली होगी, मंदी के समय में भी जिंदा रह सकेंगे, बिजनेस बढ़ने के चांसेस रहते हैं, नवी नवी बिजनेस को चालू कर सकेंगे और हमारी कोई कॉपी नहीं कर सकेगा। समझ में आया? समझ में आया? कंपटीशन कम होगा, पॉइंट नंबर वन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फायदा होगा, पॉइंट नंबर टू। मोनोपोली होगी, पॉइंट नंबर थ्री। मंदी में भी सर्वाइव करेंगे, पॉइंट नंबर चार। आगे बढ़ने की तक मिलेगी, पॉइंट नंबर पांच। नवे नवे बिजनेस चालू करेंगे, पॉइंट नंबर छह। ना हमारी कोई कॉपी नहीं कर सकेगा, पॉइंट नंबर सात। इसके अलावा दो और पॉइंट है, इकोनॉमिक ऑफ साइज एंड मोनोपोली। अब ये चीज लर्न मत करना। जो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा था, रीजन फॉर कॉम्बिनेशन, कारण फॉर कॉम्बिनेशन, उसमें पढ़ा था ना, एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल, पैसा इजीली मिल जाएगा, वही लिख दो। देखो वही सब पॉइंट है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैनेजमेंट बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, मार्केटिंग मोनोपोली वाला भी। यानी ये पॉइंट के अंदर तुम आगे वाला लिख दोगे, कोई तकलीफ नहीं। समझ में आया? यहाँ पे एस पी बी यूनिट टू संपूर्ण इससे अवर होता है। अकाउंट यूनिट वन अवर हो चुका है। मंडे या ट्यूसडे तक आपको मैं मटेरियल दे दूंगा। स्टेटिस्टिक यूनिट वन अवर हो चुका है, प्रैक्टिकल बाकी है। एमी यूनिट वन अवर हो चुका है। एस पी बी यूनिट वन और टू अवर हो चुका है। बेटा मैंने बहुत पढ़ा दिया है, 2 महीनों होना है, प्लीज पैसा दे जाओ, बहुत जरूरत है। आपके फ्रेंड्स जिन्होंने क्लास किया हो उनको आप पूछना कितना प्रेशर देते थे दूसरे क्लास में, थोड़ा थोड़ा भी देते जाओ। 1500 तो भरे, जिससे जितना हो सके उतना देते जाओ, मेरा भी घर चले। चलो कोई डाउट हो तो आप कॉल करना।